नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं और वित्तीय लेनदेन में अक्सर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आगामी बजट में सरकार आपको बड़ी राहत दे सकती है। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार पैन कार्ड की आवश्यकता को कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए खत्म कर सकती है, क्योंकि अगर आधार कार्ड पहले से मौजूद है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड की जरूरत को खत्म किया जा सकता है। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने जिम्मेदारी संभालने के साथ ही पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें वह बीएसएफ में ड्यूटी के दौरान मिले अनुभव को भी पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिले के सभी पुलिस कप्तानों को जिम्मेदारी सौंपी है, इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को चुस्त करने के साथ ड्रेसिंग में भी अनुशासन का पालन करने की कोशिश शुरू कर दी है। महिलाओं पर बेतहाशा पाबंदियों और अफगानिस्तान को बारूद के ढेर पर रखने वाली तालिबान हुकूमत अब दुनिया के सामने विकास परियोजना का ढोल पीट रहा है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए देश में भारत की राजनयिक उपस्थिति मांगी है, साथ ही भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान आने का न्योता दिया है। तालिबान ने कहा कि भारतीय कंपनियों के लिए शांतिपूर्ण कामकाजी माहौल दिया जाएगा, साथ ही भारतीयों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए विभाग ने 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए प्रस्तावित किया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों के डीएम के नाम पत्र लिखा है, जिसमें बढ़ती ठंड को देखते हुए आगामी 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने की बात कही गई है। देश के गरीबों को केंद्र सरकार ने न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। सरकार ने देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को पूरे साल फ्री राशन देना जारी रखने का ऐलान किया है। नए साल पर गरीबों को एक भी रुपया राशन के लिए नहीं खर्च करना होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को राशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार सालाना 200 करोड़ रुपए के करीब खर्च कर रही है। बिहार में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है। वहीं अब पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार ने इतना बड़ा नेता बनाया, लेकिन आज उन्हें डर लग रहा है। यह बड़े ही शर्म की बात है। भारत माता की मिट्टी ने उनका पालन पोषण किया, उनको इतना बड़ा नेता बनाया। आज वह मुस्लिम के बड़े नेता है, लेकिन उनको अगर भारत में डर लग रहा है तो चिंता की बात है। बिहार के मोतिहारी में एक ईंट भट्टा में विस्फोट के बाद 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार भी इस हादसे पर दुख जता चुके हैं। आईपीएल 2023 की नीलामी के दौरान जियो सिनेमा के लिए एक स्टूडियो शो में बोलते हुए गिल ने मजाक में पूरन में उस पैसे को चुकाने के लिए कहा जो उन्होंने द यूनिवर्स बॉस से उधार लिए थे। गिल ने कहा, निकोलस पूरन, क्या मुझे वो पैसे मिल सकते हैं जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे? हालांकि गिल ने मजाक में यह प्रतिक्रिया दी है। गिल ने पूरन को सच में उधार में पैसे दिए हैं या नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित विश्व प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी धाम पूरे देश में आ जाता है। विंध्य कॉरिडोर के निर्माण शुरू हो जाने से अब यहाँ पर विदेशी भी सात समुद्र पार कर माँ के दर्शन और धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृति को देखने पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को विंध्याचल में रूस और अमेरिका के 50 सदस्यीय टीम पहुँच रहा। यह टीम निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का अवलोकन करके साथ ही पता लगाएगी कि यह मंदिर किस कोण बिंदु पर स्थित है। उमेश यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर टेस्ट में 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। भारतीय टीम का यह पेशर नियमित तौर पर टीम इंडिया में नहीं खेलता है। जसप्रीत बुमराह मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में चांस मिला, जिसका उमेश ने भरपूर फायदा भी उठाया। 4 विकेट हॉल के दम पर उमेश ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 130 करोड़ से ज्यादा की कुल आबादी, बढ़ता मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की दायरा, साथ में बड़ी युवा जनसंख्या, ये सभी वो फैक्टर है जो भारत को किसी भी कंपनी के लिए सबसे आकर्षक बाजार बनाते हैं। पर भी कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने हाल ही में भारत से अपना कारोबार समेट लिया है। ताजा मामला मेट्रो एजी का अपना कारोबार मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल को बेचने का है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि लिव इन संबंध जो विवाह की प्रकृति होता है घरेलू हिंसा कानून के संरक्षण के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सदन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया था कि क्या सरकार लिव इन संबंधों को पंजीकृत करने के लिए कोई व्यवस्था शुरू करने और ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के बारे में सोच रही है।
आईपीएल ऑक्शन 2023 इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मिनी नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले नीलामी में से एक रहा, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में सबसे उच्चतम बोली लगी इस नीलामी में पहले के कई रिकॉर्ड टूट गए। 29 विदेशी खिलाड़ियों सहित कुल 80 खिलाड़ी बिके 167 करोड़ में 80 खिलाड़ी पर बोली लगी। इसके साथ ही मिनी ऑक्शन पूरा हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर गई। इसी बीच राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। दिल्ली पहुंचने पर राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन देश का आम आदमी अब प्यार की बात कर रहा है। इस यात्रा में हर राज्य के लाखों लोग शामिल हुए हैं। मैंने आरएसएस बीजेपी के लोगों से कहा है कि हम यहां आपके नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। चीन में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से दुनिया भर में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। इसी बीच भारत शनिवार से हवाई अड्डों पर 2% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। चीन के वुहान शहर से पहला कोरोना मामला सामने आने के 3 साल बाद देश फिर से उस समस्या से निपटने की तैयारी करने लगा है जिससे बीते सालों में जीने की उम्मीद खत्म कर दी थी। कोरोना की नई लहर के कारण चीन की लगातार खराब हो रही स्थिति को देखते हुए भारत भी हरकत में आ गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं लोगों के मन में कोरोना को लेकर लगाए जाने वाले पाबंदियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने साफ कर दिया है कि देश में कोरोना की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सतर्क रहें। भारतीय अमेरिकी वकील राजनयिक रिचर्ड आर वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिपार्टमेंट में एक टॉप डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए नामित किया है। 54 वर्षीय वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम किया है। फिलहाल वह मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख है। शादियों का सीजन आने से बाजार में जमकर खरीदारी हो रही है। सोने चांदी के गहनों के लिए जमकर मारामारी है। ऐसे में आज आपके लिए सस्ते में गहने खरीदने का बेहतर अवसर है। मार्केटिंग की पॉपुलर वेबसाइट bankbazaar.com के अनुसार आज सोने और चांदी के कीमतों में भारी गिरावट आई है। आज सोना 464 रुपए जबकि चांदी 1000 रुपए टूट गई है। तो बाजार जाने से पहले जान लें आज के भाव। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। वहीं दक्षिणी भारत में कई जगहों पर अभी भी बारिश हो रही है। अगर आप अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप सरकार की PPF स्कीम में निवेश करके 1 करोड़ रुपए तक का रिटर्न हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके बचत के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें निवेश करके आप अपने पैसों को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आप इस स्कीम में हर दिन केवल 417 रुपए का निवेश करके अपने लिए बड़ा फंड जमा कर सकते हैं। इस योजना में अगर आप हर रोज सिर्फ 417 रुपए जमा करेंगे तो मैच्योरिटी पर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। Redmi जल्दी ही अपनी Redmi K60 सीरीज चीन में लॉन्च करेगी। हालांकि उन्होंने मॉडल की सटीक लॉन्च डेट और स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक ताजा लीक से पता चलता है कि Redmi K60 सीरीज के लेटेस्ट फोन 27 दिसंबर को चीन में आधिकारिक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। आगामी लाइनअप में रेगुलर Redmi K60 और Redmi K60 Pro शामिल होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि फोन की बिक्री 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेस पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के लोगों का सम्मान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, मेरे हालिया ट्वीट को गलत समझा गया, इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मैं उनसे माफी मांगता हूं। हमारी विविध संस्कृतियों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान और गर्व है। अनजाने में की गई मेरी टिप्पणी से लोगों को पहुंची चोट के लिए मुझे खेद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को राजधानी दिल्ली में एंट्री कर चुकी है। आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया। इस यात्रा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। राहुल ने सुबह राम दरबार के दर्शन किए तो दोपहर में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाकर माथा टेका और दुआ मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को स्व महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारकों को हर साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इस कदम का मकसद रसोई के बजट में राहत देना है, जो कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। पात्र व्यक्ति 1 वर्ष में 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में रिवीजन को मंजूरी मिल गई है। पहले इस योजना में 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, जिसमें ORP का लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशन धारकों को भी मिलेगा।
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की ओर से महिलाओं के विश्वविद्यालय जाने पर रोक लगाने के फैसले का विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है, इसे लेकर भारत में भी आवाजें उठ रही हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा के पूर्व सदस्य और गीतकार जावेद अख्तर और बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह समेत 50 से ज्यादा लोगों ने तालिबानी सरकार के इस फैसले की सरकार की निंदा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उस दिन राहुल गांधी मुख्यमंत्री के हाथों में हाथ डालकर चल रहे थे। क्या राहुल गांधी ने अपनी कोविड-19 संबंधी जांच कराई? केंद्रीय मंत्री ने जानना चाहा कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अन्य लोगों ने अपनी कोविड जांच कराई है। उन्होंने कहा, क्या कांग्रेस कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगी? क्या एक परिवार या एक पार्टी कोविड प्रोटोकॉल से बढ़कर है? भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने खेल के साथ साथ दौलत के मोर्चे पर एक और मुकाम हासिल किया है। फोर्ब्स ने सालाना कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। पीवी सिंधु इस लिस्ट में 12वें पायदान पर है। पीवी सिंधु टॉप 25 में एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सदस्य श्याम सिंह यादव शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। यादव ने मीडिया से कहा कि वह राहुल गांधी के निमंत्रण पर और व्यक्तिगत स्तर पर इस यात्रा का हिस्सा बने हैं, क्योंकि इस यात्रा का मकसद नेक है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नु गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, रविशंकर, सलीम, भान प्रकाश मौर्य, दीपक कुमार, केके सिन्हा, जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ठंड से बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।